खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तो हाड़े तक पहुंचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। परम सन्मान आवर साहेब कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहेब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलांच विराजमान गुरु प्यारी सात संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारयां दे सिर ते मरहमतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है ए शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे मुबारक चरण कमलां दी खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी दी यथा निवाजिस दा सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रह रास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे हुक्मनामे आपने झोली च पाए हन। कुछ समा होर साहिब गुरुदेव गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे महान जीवन वाकयात अमृत जीवन कथड़ियां महाराज जी दे प्यार भजे इतिहास विचार राही गुरु दीदार प्राप्त हो सके इसलिए छोटी जी ध्यान साधना है दोहां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दिआं नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा शीश गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलां ते टिकिआ है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रख्या होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदिआं चरण चुमदिआं होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक प्रेम सहित सरवण करदिआं इतना आपने सरवण किया कि बहादुर बाबा बिधि चंद जी दे महान पुरुषार्थ सदका ते साहिब जियां द्वारा दिते हुए बल बुद्धि ते थापड़े सदका पहले वो जान पाई घोड़ा गुलबाग ते फिर सुहेला जिसका महाराज ने नाम रखिया जान पाई ते सुहेला दिलबाग नूं लै के आए ते उस तों बाद जो हालात बन सकदे सन और जो बाद विच हालात बने उस दे मुताबक महाराज जी ने भाई जोध राय जी नूं आख्या बई तुसी दसो किवें आउण वाले हालात इस इलाके विच साजगार तरीके नाल निठे जा सकते ने निजिठे जा सकते।
भाई जोध राय जी ने कांगड़ वाले ने आख्या महाराज मेरे कोल 500 घोड़सवार है, 500 दा होर भी प्रबंध है, 1000 घोड़सवार आप जी दे कोल 3000 घोड़सवार सेना है, प्यादे सिपाही ने। बादशाह दी फौज बहुत वड्डी, कोई गिनती मिनती नहीं है, कितनियां तोपां ने, कितने रैकले जंबूरे ने। जंबूरा छोटी तोप नूं कहंदे ने जो ऊठ दी पिठ ते भी लद्दी जा सकदी, और होर इस तरह दे कितने कमांडो फोर्सेस अज दे हिसाब नाल अगर देखिए ते विशेष सिख्या प्राप्त आर्मी सी औरंगजेब दी। महाराज कोई अंत नहीं है ते साड़ी सारी सेना 5000 6000 तो ज़्यादा नहीं, इतनी वड्डी सेना नाल मुकाबला करना ये थोड़ा जिहा सोच विचार दा विषय है। आपां ये करिए बई किते दूर जंगल विच चले जाइए, आपे लभ लुभ के सेना आएगी ते चली जाए, फिर बादशाह या लाहौर या दिल्ली प्रस्थान कर जाएगा ते इस तरह जंग टल सकदा है। महाराज ने फरमाया जोध राय सानू इस तरह का ढंग पसंद नहीं, कल नू गुरु नानक दे घर दी बदनामी करनगे भई साढ़े कोलों डरदिया होया लुक गए, इसलिए असी जंग करांगे, जंग विच जित प्राप्त करांगे, बस सानू कोई ऐसी जगह दस जिथे जंग करना बहुता कठिन ना हो। जोध राय बहुत खुश होया महाराज जी दे बचन सुन के, सच्चे पातशाह थोड़े बचन अटल हैं, तुसी क्या जंग जितांगे तो जित ता हो गई है, हुण तो सिर्फ प्रदर्शन ही बाकी है, जित ता महाराज थोड़े कदमां च आ चुकी। हाँ एक जगह मैं मेरे ध्यान विच है, सारा इलाका मैं गाया होया, उत्थे जे असी पहुँच जाइए ते फिर जंग करनी सौखी होवेगी, पानी दा ताल है, चारों पासे मरुथल है, नखलस्तान है, ते जे उत्थे असी जाके पानी दे दुआले अपने मोर्चे ला लईए, पानी साढ़े कब्जे च आ जाए, दुश्मन दल वास्ते भावें कितनी वड्डी सेना होवे उन्हां वास्ते सब तो वड्डी समस्या पानी दी औणी, इसलिए ढाब है तालाब है झील या इस तरह का जो पानी का थोड़ा जिहा इकट्ठ है वह साढ़े वास्ते बहुत वड्डा हथियार साबित होवे, उन्हां नूं इस दी मार पवेगी, पानी नहीं मिलेगा तो फिर जान बचा के नसण तो इलावा उन्हां दे कोल कोई चारा नहीं होवे। इस तरह दे विचार चल रहे हैं ते जो इन्हां ने आख्या अगे सरवण करिए पेशतर। जितने भागशाली हाजरीन हाजर बैठे हो, भावें इत्थे सतगुरु जी दे घर विच तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब हो या सतगुरु जी द्वारा बख्शे हुए अपने घर विच संसार दे किसी भी कोने च बैठे हो, गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण अपनी रसना ते स्पर्श करिए ते गज के आखिए धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर सारे गज के आखो जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। सुनो प्रभु मैं जानियो थान, महाराज सच्चे पातशाह मैं वो थान जान लिया, मेरे ध्यान च आ गया, एक थान
ऐसा है हाँ जहाँ करो तुम जंग महान। ये महान सतगुरु जी थोड़े चरण भी महान हैं, थोड़े बचन भी महान हैं, थोड़ी असीस भी महान है, ते महाराज थोड़ा जंग भी महान है। तुसी महानता दे महासागर हो। महाराज जो था मैनू ध्यान विच आ रहा है जिथे तुसी महान जंग कर सकते। जंग अगर स्वार्थ लई होवे ते जंग वर्गा नीच काम कोई नहीं, जंग वर्गा निंदनीय काम कोई नहीं। अगर अपने स्वार्थ विच होवे, किसे दी जमीन खोण लई जंग करना, किसे दा हक मारन लई जंग करना, किसी की वड्याई बर्दाश्त ना करते हुए जंग करना, वो जंग कोई जरूरी नहीं भी हथियार नाल ही होवे। वो जंग साजसा रच के भी किया जा सकता। आखिर पहाड़ी बाई तार दे राजे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई देख के ही सड़दे सन। वैर कोई नहीं सी, वैर हो भी नहीं सकता। महाराज जी ने, गुरु पिता ने जगह खरीद के नगर वसाया, किले तैयार कराए। सेनावां महाराज कोल अज नहीं, सेवें पातशाह जी तो ही ने 2200 घोड़सवार हर वेले सतवें पातशाह जी दी अरदल विच रहिंदे सन, पर जंग कोई नहीं। इन्हां दी ईरखा, इन्हां दी जैलस, इन्हां दा साड़ा भई किते साड़ा इलाका खो ना लवे। इस तरह इन्हां ने सोचिया भी क्यों भई खो ना लवे, क्योंकि बंदा जो आप करदा होंदा है ना, वही दूजे बारे सोचदा होंदा है। आईने दा दोष नहीं होंदा, जिहा मूँह कर पाली है ते हो वेखाला। जिस तरह का अपना चेहरा होवे उस तरह का ही शीशे विच दिखाई पेगा। शीशे का की दोष? इन्होंने अपना हिरदा जैलस वाला रखा होया, एक दूजे का इलाका दबाते रहे, एक दूजे का तन चुराते रहे। बहुत सारे बहुगिणती राजा महाराजा के इतिहास पढ़ोगे डाकू ने, डाकुआ ने या डाकुआ के वंश ने, और कुछ नहीं। कुछ एक नूं छड़ दईए जिन्हां नूं पार ब्रह्म परमेश्वर की मेहर नाल राज प्राप्त होया। बहु गिणती तो राजा महाराजा की यही है भई या डाकू ने या डाकुआ की औलाद ने। हिंदुस्तान विच औरंगजेब का राज होया, बाबर आया, कोई संत बन के थोड़ी आया सी, डाकू बन के आया। गौरी आया तो कोई संत बन के थोड़ी आया, डाकू बन के आया। जयचंद वर्गिया ने उसनू बुलाया ते कारण की दूजे राजयां नाल ईरखा, बई इन्हां नू मैं बुला के ते इन्हां दा राज मैं कब्जे कर लवांगा, पर ये नहीं पता कि अपना भी जांदा रहेगा। सोच निकम्मी सी, इसलिए महाराज प्रति जैलस ईरखा। कोई संसार दा स्याणा मनुख फैसला करे भई कोई मनुख किसे वास्ते कोई तोहफा या कोई वस्तु कोई साजो समान लैके जा रहा है, ते राह विच जेड़ा खो लैंदा है उन्हूं राजा आखोगे कि डाकू आखोगे, कौन है वो? महाराज सच्चे पातशाह जी दे घोड़े संगत भेटा करन लई ले जा रही सी, ते ने अनायत खान ने सोंदे खान ने मिल के बलपूर्वक घोड़े खोले। तो की वो पुन कर्म है कई या राज घराने का कर्म है कि डाकुआ का कर्म? डाकू सन। तो बहादुर बाबा बिधी चंद जी ने दिखा दिता भी थोड़े वर्गे डाकुआ इस तरह चोरों मोर भी पै जाते।
उस तो बाद जो हालात बने महाराज सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल भी इन बाई धार दिया सरकारां दी जैलस होर कुछ भी नहीं। ये बड़ी देर तक चलती है, कई पीढ़ियां कई सदियां तक चलती रहती है, मुकदी नहीं छेती। कई दफा दूजे का सन्मान, दूजे की पदवी, दूजे का धन, दूजे का ज्ञान, तो दूजे की चढ़ती कला, ये तो साध संगत तीन हस्तियां ने जिन्हां नूं चंगी लगती है, बाकियां नूं नहीं। या तो माता पिता नूं चंगा लगता है भी साडा बच्चा बहुत तरक्की कर गया, मिले या ना मिले, दूर रहे नेड़े रहे अरदासां करदे ने, परमात्मा उहदे सिर ते मेहर भरिया हथ रखे, तत्ती वाह ना लगे। या तो माता पिता खुश होंदे ने, तो या मैं अर्ज करां कोई संत हिरदा खुश होंदा है, कोई प्रभु विच भेद हिरदा, किसे दी वड्याई देख के धन देख के खुश होंदा है, तो या फिर परमात्मा खुश होंदा है किसे दी चढ़दी कला देख के। बाकी हिरदे तां मैं अर्ज करां भावें बाहरों बोल चाल ठीक ही होवे, पर अंदर बहुत भांबड़ मचते हैं, अंदर बहुत अग बलती है, वो बुझ सकती है जे हिरदा नाम नाल जुड़ जाए। पर इन्हां दा हिरदा तो वासना नाल जुड़िया होया, होमे नाल जुड़िया होया, बल पा के ते हंकारी होया होया, इसलिए सतगुरु जी दे नाल ईरखा है, होर कोई कारण नहीं, बस यही कारण। नहीं मुकाबला कर सके गुरु नानक देव जी दे ज्ञान दा, विज्ञान दा, ब्रह्म ज्ञान दा, ते ईरखा ते उतर आए। पागल पूतना ते दीवाना कहते रहे, कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा, ये कुछ कहण ते उतर आए। कोई बगदाद की धरती ते पत्थर लैके आ गया, और किसे ने तरह तरह दियां साजिशां रचियां। ते कारण की है, गुरु नानक वर्गा ज्ञान किसे कोल नहीं, गुरु नानक वर्गा ध्यान किसे कोल नहीं, ते गुरु नानक दे हिरदे विच जो लोकां प्रति है उस तरह दा सन्मान किसे कोल नहीं, इसलिए ईरखा पैदा हुई। गुण ही कई दफा दूजे देखण वाले दे लई ईरखा पैदा कर देंदे। यही कारण है महाराज जी दे घर दे 18 जंग ने, उसका कारण दूजियां दी ईरखा, अपना सहम, अपना वहम, ते महाराज प्रति उस गल नू खुल के रख नहीं सके, ते जंग ते अमादा हो। उन्हां दे हिरदे विच जर जोरू जमीन है, ते सतगुरु दा युद्ध महान है, धर्म युद्ध है, निमाणे दा माण बनना। इना सोचना वे गुरु तेग बहादुर जी ने युद्ध नहीं लड़िया, उन्होंने भी युद्ध लड़िया और धर्म युद्ध, ते उस युद्ध विच जित प्राप्त कीती, ते जित प्राप्त करन लई भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी समेत अपना बलिदान दिता महाराज ने। धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर न दी। युद्ध कीती है गुरु अर्जन देव जी ने, बहुत वड्डा युद्ध है, इसलिए उस युद्ध ते जित प्राप्त करदिया होया लोह ते अपना बलिदान दिता। खैर मुक्तसर मैं अर्ज करना चाहता, महाराज नूं कहण लगे भाई जोधराए जी, जहां करो तुम जंग महान, हे महान सतगुरु, महान विचारां दे मालक सतगुरु, महान बरकतां दी दात देण वाले सतगुरु, निमाणिया नितानिया नूं महानता दे के महान सिख बनाउण वाले सतगुरु,
एक जगह मेरे ध्यान च आ रही है। हत है तुरक यार रह है सुखारे, जिथे असी तुरक सेना दा वड्डा मुकाबला आराम नाल कर सकते ते उना नू संघार सकते हाँ। पाज है रिप कर प्राणन प्यारे, जिथे दुश्मन बनके जो आवणगे ओ प्राण लैके भजणगे। प्राण बचाउण लई पाणी चाहीदा, पानी साढ़े कब्जे में होगा तो थोड़ा जंग कीत्या ही वड्डी कामयाबी मिल जाएगी। ये युद्ध नीति होंगी, सियाने युद्ध नीति नूं समझण वाले इस तरह नीति घड़दे ने कि नुकसान भी अगले का घट तो घट होवे ते विजय भी हो जाए, जित भी प्राप्त होवे। दूजे का नुकसान करना भी जंग का नीवा पद्धर है, घट तो घट नुकसान होवे ते मसला हल हो जाए। पंच रो चार कोस इस थल ते, पांडियां चार को ऐस थां तो होवेगा। परे ओ सरोवर सुंदर जल ते, महाराज उत्थे एक सरोवर है, सरोवर है जेड़ा निर्मल जल नाल भरिया होया, बड़ा ताजा सोना जल है, रब्बी स्रोत है। तिसके गिर्द करो चल डेरा, महाराज सच्चे पातशाह आप जी दियां सेनावां ओदे द्वाले द्वाले अपना टिकाणा कर लै। जे द्वाले द्वाले तंबू लग जाणगे, नेड़े सारे होणगे, तां महाराज जी पहला लाभ तां इह होवेगा कि ओह पाणी लोड़ वेले पी लैणगे, दूर नहीं लै जाणा पए। ते महाराज दूसरा वड्डा फायदा यह होवेगा कि जिहड़ी दुश्मन दल दी टिड्डी सेना टिड्डी दल आवेगा, तंबू लगे होण करके उन्हूं पानी दिखाई ही नहीं पैना, पता ही नहीं चलना भी इत्थे पानी है कि नहीं। तंबूआं दे ओले चारों पास्यों ओ तालाब सुप जाएगा, ते अपनी शक्ति नूं छुपा के रखना भी युद्ध कला विच एक वड्डी कामयाबी का कारण बनता है। ये भी युद्ध कला का एक हिस्सा है, अपने शस्त्र अपनी सेना अपना बल छुपा के रखना ताकि दुश्मन नूं बोध ना हो जाए भी इहदे कोल की कुछ हैगा, ते वो आम वांगू अपने ढंग नाल आवे ते फिर हार के जाए। महाराज ये वड्डे लाभ होवणगे। हम ते दखन दिस मह हेरा, महाराज सच्चे पातशाह इत्थों दखण वाले पासे मैं देखिया है। चारक पंच कोस इक ग्राम, चार या पंच को होवेगा एक नगर हैगा है। जेह को कहे निथाना नाम, महाराज कहण लगे नाम की है, ते भाई जोध राय जी कहन लगे महाराज ओदा नाम निथाना है। हम नह त्यागेंगे जल सोए, महाराज सच्चे पातशाह असी उस पानी नूं त्याग नहीं सकते, भाव उस ते जाके डेरा करना, वो पानी अपने कब्जे विच करना, क्योंकि पानी निरा बंदे नूं ही नहीं चाहिदा हुंदा, घोड़िया नूं भी चाहिदा हुंदा, बैलां नूं पशुआं नूं सब नूं पानी चाहिदा, ते पानी सब तो वड्डा साडा जिहड़ा हथियार हैगा, साडा गोली सिक्का बारूद पहला पानी, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। फिर महाराज जी ने सीस हिलाते हुए मुस्कुरा के कहा, क्या हाँ पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय। ये पहला जीवन का मूल स्रोत ही पानी, ते चंगी गल है। सत्र पिलाए तिखा तुर होए, महाराज सच्चे पातशाह असी पानी नूं छड़ना नहीं है, पानी अपने कब्जे च रखना है, ते सत्र पिलाए तिखा तुर होए। दुश्मन चढ़ के आएगा ते प्यास नाल तड़पेगा ते वापस दौड़ जाएगा। सुनत जोध ते सतगुर मानी, महिमा दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी मुस्कुराए ते आखण लगे भाई जोध तू चंगा सूरमा है, तेनू युद्ध कला बारे चंगा बोध है, ते ऐ असी राय तेरी मन लें, ए तू ठीक आख्या है, एहो ते आछी बात बखानी, ए गल तू चंगी आखी है, इसलिए इस नाल अपनी सेना भी जल तो बिना
जंग करन विच कठिनाई महसूस करेगी, उन्हां दी सेना जल तो बिना लागे नहीं आ सकेगी। जल स्रोत ते कब्जा करना ये चंगी गल है, ये तो अच्छी बात बखानी। अब तो परी संज लख लीजे, हुण तां शाम हो गई है ते नेरा हो गया है। प्रात होए प्रस्थानो कीजे, सवेरा होंदिया ही अमृत वेले दीवान तो बाद आसा दीवार दे कीर्तन तो बाद आपां कूच करांगे। आवे साहो के लश्कर पारो, हुण भावें बादशाह आप आ जाए ते भावें वड्डे अमीरां वजीरां नूं भेज के ते वड्डा लाम लश्कर वड्डी सेना भेजे, हथियारन को पकड़ संगारो, ते आपां महाराज जी दे बख्शे होए साहिब कहण लगे हथियार पकड़ के उन्हां नाल युद्ध करांगे ते ना नेस तो नबूद कर देवांगे। मसलत जवनी के कर ली, ऐ जड़ी सलाह सी ना ये चंगी तरह फाइनल हो गई भी यही करना है। सवेरे इथों प्रस्थान करांगे, ये महाराज जी ने फाइनल किया। बहु बारूद अनावन कीन, फिर उस वेले भी उस तो बाद बहुत सारा बारूद जिस नाल गुलकां गोलियां तैयार कीतियां जा सकन, बारूद नूं सिक्के विच बंद करके सिक्का भी चाहिए, ढालण वाले भी चाहिए, वह भी सारा प्रबंध किया गया। मण हजार सिक्का मंगवायो, ते हजार मण सिक्का मंगवाया जिदे विच बारूद नूं पैक करके गोली बनाउणा है, ते फिर वो गोलियां चलाउनियां हन, गोले चलाउने हन, ब्रिंद सुनारन ते ढलवायो, ते बहुत सारे सुनियारियां तो जेड़ा ये काम जानदे सन ढालाई करन दा उन्हां तो वो सिक्का पिघलवाया गया। दीनी सुभटन को मन पावत, गोलियां तैयार कीतियां गईयां ते सुभट पाव चंगे सूर में, सूरमा केवल उसनूं ही नहीं कहंदे जो बहुत अच्छा हथियार चला सकता हो, जो दूजे नूं ढेर कर सकता हो, या जो बलपूर्वक जित प्राप्त कर सकता हो, बल्कि सुभट सूरमा उसनूं कहंदे ने जिहड़ा धर्म लई लड़दा है, बाकी कोई सूरमा नहीं, होर किसे नूं सूरमा आख्या भी नहीं जा सकता। असीं तां जिहड़ा मर्जी कालवश हो जाए माड़ी जी गल ते उहनूं शहीद कह दिंदे आ, शहीद भी एवें नहीं आख्या जा सकता। भाई साहब भाई गुरदास जी का बचन है, कहने दो गुणा का महागुणा का धारनी होवे ते दो वड्डे अवगुणा का त्यागी होवे, सबर सिदक ये धारनी होवे ते परम पौ खोवना, ना उन्हों कोई भरम होवे ते ना डर होवे। ये सुभट नूं हो सकता इस तरह का हिरदा प्राप्त जिहड़ा नाम जपण वाला, इसलिए महाराज ने सिपाही नहीं साजे संत सिपाही साजे। देखिए दुनिया के लोगों जे शस्त्रधारी खालसा सेना थोड़े सामने आवे तो डरन की लोड़ नहीं, ये थोड़ी रक्षक है, ये मेरा रूप है खालसा, मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। इसलिए मेरे विच ते खालसे विच फर्क नहीं है। इसलिए भाई साहब बार बार सुपट शब्द वरते हैं, पट का मतलब है सूरमा। फिर महाराज जी की बाणी खुलासा कर दी है, सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। उसनू सूरमा बाणी में आख्या जाता, इन्हें भी बड़ा एक्सरसाइज करता है, बड़ा युद्ध अभ्यास करता है, तो सूरमा हो सकता है स्वार्थी होवे, अपने स्वार्थ लई कर रहा होवे, ते परम पौ विच गुआचिया होया होवे, ते ना सबर होवे ते ना सिदक होवे। इसलिए भाई जी ने बार बार सुपट शब्द वरत्या है, गोली सिक्का तैयार करवा के
सुरमिया नूं दिता गया डारत गोरी तुपक चलावत गोली उदे विच पा के ते बंदूक चलाई जांदी है जिस टिंग तनुख तीर को छोरत जिदे कोल तनुख है वह तीर चलाउण दा अभ्यास करदा पै जो तीर अंदाज हन निज विद्या कर अर उर फोरत और इस तरह दे नाल जिहड़ा उहनां कोल अपना युद्ध अभ्यास दी विद्या है उदे नाल दुश्मना दा हिरदा फोड़ देंदे भाव छाती विच उहनां दे सूरमियां दे तिखे तीर इन्हां गुरसिख सैनिकां वल्लों चलाए हुए वजदे रहे हन तिन को तरकश बख्शन करे उहनां नूं महाराज सच्चे पातशाह जी ने भारे खपरे तीरां दे भर भर के पत्थे बख्शिश कीते तीछन पीछन सरगन भरे बड़े तिखे ते भयानक जेड़े सर ने तीर ने वो बहुत सारे तीर पत्थियां विच भरे हुए हन केतक को तो मर खर दए किन्या नू बरसे वड्डे वड्डे दिते हन सर्व लोह की शक्ति लए बड़े पारे पारे बरसे ते सर्व लोह दी शक्ति सहत शैप सरोही तेग चोरे इस तरह सरोह इलाके दी बनी हुई तेग सैफ सिद्धी जड़ी तेग होंदी है दोवां पासयां दो धारी जिवें श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी सैफ तखत पटना साहब विखे मौजूद है बिल्कुल सीधी होंदी पर इस नूं खंडा नहीं आख्या जांदा सैफ आख्या जांदा खंडे दी शकल दी होंदी है और इस तरह दे नाल महाराज जी ने सरोही तेगे चौड़े चौड़े तेगे वड्डे वड्डे जिहड़ा एक वज जाए ना ते अपने हुलारे नाल ही अगले दा सिर ला दे इस तरह के भारे तेगे खड़ग महाराज जी ने अपने सुरमिया इस जंग की फतेह वास्ते बख्शे हन खंडे खड़ग दुधारे गौरे इस तरह खंडे खड़ग दो धारे खंडे भारे भारे उते तबेले खरे तुरंग तबेले विच जंगी घोड़े भी खड़े ने आम घोड़े ते जंगी घोड़े च भी फर्क होंदा हुण जिहड़ा मैं अर्ज करां टांगे वाला घोड़ा है उन्हें जंग विच की जाना तो बेचारा उत्थे ढीचक मार जांदा उहदे वस दी गल नहीं जे सामने नगारा वज पए तो उह किते होर दा होर ही जा पहुँचदा उह जे मरियल घोड़े नहीं जंगी घोड़े भी खास ट्रेंड किते हुए घोड़े होंदे हन जिवें सूरमे नूं रण देख सूरे चित उलास इस तरह जंगी हाथी जंगी घोड़े ये भी जद भेरियां वजदियां ने मारू वजदा है और इस तरह के नाल फिर इन्हां नूं भी चाह छड़दा ये होर अगे जाके चाह नाल उत्थे कम करदे हन बख्श दिए तिस छिन हित जंग वो जिहड़े जंगी घोड़े हन खास ट्रेंड घोड़े ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਰਾਬੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਕਤ ਮਾਂਚੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਕਰਾਬਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਬੀਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਬਾਈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਬੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸਕੇ ਲਗਤ ਨ ਸਤਰੂ ਬਾਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਾਈਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਤਮਾਚੇ ਪਿਸਤੌਲ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੋਸ ਬਿਖੈ ਤੇ ਸਭ ਮੰਗਵਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਬਚੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਸਤਰਾਗਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦੂਕ ਤੂੰ ਲੈ ਇਹ ਕਰਾਬੀਨ ਤੂੰ ਲੈ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਤੂੰ ਲੈ ਬਖਸ਼ ਦਏ ਸੁਭਟਨ ਸਮੁਦਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੰਡੇ ਹਨ ਲੇ ਰਜਾਏ ਗਰ ਜੋਧ ਸਿਧਾਰਾ ਤੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਣਾ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ ਦਲ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਕੇਤਕ ਚਾਕਰ ਕੇਤਕ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਨੌਕਰ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ। ਸਰਬ ਬਟੋਰ ਕਰੇ ਸਮੁਦਾਇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਬਟ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕ ਤੇ ਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 500 ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੈਨਿਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਡਬਲ ਕਰ ਲਈ। 1000 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨਦ ਬੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਰਾਤੋ ਰਾਤ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਬਖਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਲੜ ਬੇ ਹਿਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਗੋਰੀ ਬਹੁ ਬਰੂਦ ਲੈ ਭਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਸਰਬ ਜਾਮਨੀ ਮਹਿਕਰ ਤਿਆਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੂਰਬੀਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ 1000 ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਈ ਸੁਚੇਤ ਬਾਹਨੀ ਸਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 1000 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਇਸਦੇ ਸਨ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਿਆ ਰੇ ਆਦਿਕ ਸਕਲ ਨਿਸਮਹਿ ਕਰੀ ਸੁਕਾਰ, ਸੁਨਿਆ ਰੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1000 ਮਣ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ, ਲੱਕੜ ਆਦਿਕ ਦਾ, ਕੋਇਲੇ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਣ ਪਾਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੌਂਡੇ ਨਿੰਦਰਾ ਧਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੋਰਮਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਭੱਜੋ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗੂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਚੌਪਈ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗੇ, ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਾਗੇ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੱਜ ਪਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ।
पर हर जंग नूं जितण वास्ते सब तो वड्डा शस्त्र, सब तो वड्डा हथियार एम्यूनिशन ते मुकाबला करन लई नहीं बल्कि जित प्राप्त करन लई सब तो वड्डा हथियार अमृत वेला सच नाम है। इसलिए इसका जीवन विचों मनफी उड़न हर तरह की हार आपे ही सामने आ जाती ते हर तरह की विजय श्री उन्होंने प्राप्त होंदी है जेडे अमृत वेले जागते हैं जाप करते ने नितनेम करते हैं। साहब खुद आप भावें पार ब्रह्म परमेश्वर जोत ने पर फिर भी कदी अमृत वेला खुजाउंदे नहीं हन। सोच स्नान करन अनुरागे महाराज सच्चे पातशाह फिर इस तरह नित क्रिया स्नान आदक करन विच रुझ गए कह कर दुंधव को बजवायो। फिर महाराज सच्चे पातशाह जी ने रोजाना दा जो नितनेम है बाणी दा कीर्तन है खुराक है। जे भुखा बंदा घरों चल पवे ना तो सारा दिन भुख ही पई रहिंदी। इसलिए कहावत है भी घरों जाइए खा के ते अगों मिलन पका के ते जे घरों जाइए भुखे ते बाहर भी रहिए रुखे फिर मिलना की हैगा। इसलिए किधरे भी जाना है कोई भी कम मुहिम ते जाना है पहले नितनेम रज के करके जाना चाहिए प्रेम नाल करके जाना चाहिए जाप करके जाइए ते फिर विजय श्री लभनी नहीं पैंदी आपे आ जाए। महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस तरह फिर नितनेम आसा दीवार दे कीर्तन तो बाद नगारा वजवाया महा तुनी जन खन गर जायो। अमृत वेले पहला ये नगारा वजया होगा जड़ी वड्डी धुनी हुई ते बदल दी तरह गरजया सुनत जोधपुर महतब जागा। जोध दी हल्ले पाई जोध जी दी आखी लगी सी प्रबंध करदा रहा ते उतने नू नगारा वज पिया ते उस दे कन्ना च आवाज पहुंच गई भी साहेब जी दा नगारा वज गया है अमृत वेले नगारा वजदा सी। आ तुसी सवेरे ही 3 बजे आके पौने 3 आके देख लेना महाराज जी दे किवाड़ तां खुलदे ने पहले नगारा वजदा। ये नगारा कोई साज नहीं होंदा जे कोई साज होवे इहदे नाल कोई गावे इहनू सुरा बिसुरा करे ये इक्को ही सुर विच बोलदा है इहदी सुर अटल है सदा ते नगारा इस गल का प्रतीक है। गुरु नानक दे घर विच पार ब्रह्म परमेश्वर गजदा पिया उहदी आवाज़ गूंजदी पई है गुरु शब्द रूप विच भी गजदा पिया गुरु शब्दी गोबिंद गजया ते नगारा भी पार ब्रह्म परमेश्वर दी दरगाह दा महान उद्घोष है दुंदब है। ये वजया ते सुन के भाई जोध दे नेत्र खुल गए सोच स्नान करन कहो लागा। वो भी चटपट स्नान आदक करन लग पिया दोनों तुजनी के पट पारे दोहीं सेनावां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दी सेना ते जोध राय जी दी सेना ये दोहीं सेनावां दे तुजनी मतलब ध्वज वाली वड्डी सेना दोहीं सेनावां दे सूरमे बहुत भारी बलशाली हन। जागृत कीन सुचेता सारे जागदिया सार सब नु सुचेत किया शस्त्र बस्त्र पहरे निज अंगा सारिया नु जेड़े शस्त्र राती दिते सुनना सजा ले जिवें एक आर्मी मैन वर्दी पा के तैयार हो जाता है ते फिर वह बड़ा सोहना लगता है फिर उन्होंने देखने वाले सदके जाते उन्हें लगता है भी कोई साड़ी राखी करने वाला इस तरह बड़े सोहने गुरसिख सैनक सज गए हैं। डारे सुंदर जीन तुरंगा ते सोहनिया सोहनिया मजबूत टिकाऊ वालिया काठियां घोड़िया ते पा लिया सुपट सकल उत्साह समेत ये सारे संत सिपाही बड़े चा उत्साह नाल चाहत विजय करियो रण खेत सारिया नू ये पता है विजय तो होनी होनी क्योंकि गुरु सिर ते होवे ना फिर हार हो नहीं सकती। महाराज दे बचन ने जिस दे होवे वल सो कदे ना हारदा ए दृढ़ विश्वास
अपने मन में रखना कि गुरु सदा ही साढ़े वाल है, गुरु साढ़े तो दूर नहीं। अपने सेवक की आपे रख है, आपे नाम जपाव है। जय जय काज किरत सेवक की, तहां तहां उठता वै सेवक को निकटी होए दिखावे। दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग विभूते। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। गुरु नाल हैगा है ते दूर नहीं, हमेशा हाजर नाजर है। ये जब समझ लीए फिर जित हो ही जाती। इसलिए इन्हां सारियां विश्वास है भई साड़ी जित होनी है। सुबट सकल उत्साह समेत, चाहत विजय करियो रणखेत। वो सिर्फ जंग करन दे ख्याल नाल नहीं जा रहे, वो जित दे ख्याल नाल जा रहे हैं। श्री हर गोबिंद चंद आनंदे, महिमा दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज। जिवें सारे सितारियां चो चंद्रमा वड्डा दिखदा है ते उहदी चाननी सारे जगह फैलदी है, इस तरह चंद मनिंद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की मेहर की चाननी सब ते पैंदी पई। ते आप बड़े आनंदित हो के रहमत दी रोशनी बरसा रहे हन। हितरण के उत्साह बिलंदे, मैदान वास्ते बहुत उत्साह है मन विच। वस्त्र नवीन सर्ब ही पाए, सारिया ने सैनिका ने सोने वस्त्र पाए, पर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज इस तरह सोने वस्त्र पाए ने जिवें कोई शहनशाह दूल्हा बन के व्याहुण चलिया हो। इस तरह उन्होंने सोना 52 कलियां वाला महाराज जी का प्रिय चोला है वो पाया है। दीर्घ जामा गरह सुहाए, ते खुला चोला बहुत सोहना महाराज जी नू लग रहा है। सुंदर सेत वड्डी दस्तार, महाराज सच्चे पातशाह ने सफेद चोला उस दिन पाया। भाई जी नाल रंग भी दसदे पए ते सफेद ही दस्तार भी सजाई, ते बहुत सोहनी दस्तार महाराज जी दी सजी हुई है। जरीदार जुग छोर उदार, उसदे दो किनारे जरीदार हन, दोवें पल्ले दस्तार दे सोने जरीदार कढ़ाई वाले हन। पेच अनूठे कर कर लाए, ते बड़े विशेष तरह नाल महाराज जी ने ये दस्तार सजाई है। आश्चर्य पेज महाराज जी ने इधरों इधरों सजाए ने, सब इक्को जे दिखते। और उस दस्तार नू देख के ही ता ढाडी नथमल ते अब्दुल्ला ने कह दिता सी, पग तेरी की है जहांगीर। इन्नी सोहनी दस्तार महाराज जी ने उस दिन सफेद रंग दी सजाई है। ऊपर बांधी जिगा सुहाए, दस्तार दे उपर कलगी लगाण लई जिगा सोना सजाया है। जरे जवाहर जागत जोत, जिगा विच कलगी विच बड़े सोने हीरे जड़े हुए, जवाहरात जड़े हुए, ते जगमग जगमग कर रहे हैं। दीपत दीपत सुदीपत होत, इस तरह उन्हें विचों रोशनी निकल रही है। तीखन खंडा खरो दुधारा, महाराज सचे पातशाह जी का तिखा वड्डा खड़क खंडा दो तारा वाला चमकिया है। लेकर बिखे गरे महडा, ओ महाराज सचे पातशाह ने पहला म्यान चो बाहर कढ के देखिया, ओदी तार ते स्पर्श किता। फिर महाराज सचे पातशाह उस वाल देख के मुस्कुराए, ते फिर अपने महाराज जी ने गल विच पा लिया गात्रा उसदा। तस्कर खर खपरे परवायो, महाराज सचे पातशाह ने तरकस पत्था वड्डे चौड़े मुखी वाले तीर खपरा जे नू कहंदे ओ भर लिया है। ऊपर हीरन तो दिपतायो, महाराज सचे पातशाह दा पत्था भी हीरियां जड़िया, बहुत कीमती बेशकीमती पत्था है महाराज जी दा। गुर मह डार सो बांधियो कट सो, इस तरह महाराज सचे पातशाह ने अपने
उर्मह डार, फिर तो पढ़ना है। गुरमह डार सुबांधियो कट सो, गुरु सच्चे पातशाह ने ओ गालच पाके ते कमर कसा सजाया है, कस कट बहु सूखम टिड पट सो, ते बड़ा बारीक रेशमी कमर कसा है जो महाराज ने किता है। ए सब कुछ देख के ते इंद्रपुरी भी डर गई होएगी आज होण की लगा है। तमाम राक्षसी सेना कंब गईयां होवणगीयां, तमाम मैलियां शक्तियां थर थरा गई होवणगीयां कि अज खैर नहीं है, अज महाराज सच्चे पातशाह ने खंडे दी धार दा स्पर्श किया है, अज देखिया है, अज जंग दी तैयारी कर रहे हैं। जमदार तिस मह करी सजान, जमदार महाराज जी ने उस कमर कस्से विच सजा ली है, तनुख कठोर लीन मन पावन, इस तरह दे नार नौ टंकी तनख महाराज जी का बड़ा मजबूत है, वो आप जी ने अपने नार लिया है। पै अरूढ़न को जब त्यारी, ये तनख महाराज नु बड़ा चंगा लगता है, ते वो घोड़े ते सवार होए हन, जोध पठियो नर बिना उचारी, इस तरह पै अरूढ़न को जब त्यारी, घोड़ ते घोड़े ते सवार होने वास्ते जब महाराज चंगी तरह सनदबद्ध हो के सत संगत एक पासे, दुश्मन सेना हन, दुश्मन का मतलब दूषित मन मैले मन वाली सेना, एक पासे हंकार ते दूजे पासे निरंकार, एक पासे लोभ ते दूजे पासे संतोख का सागर, एक पासे वासना ते दूजे पासे जत सत दा पहाड़। ये देखना है कि जंग किवें होंदी है। महाराज जी की तैयारी नूं देख के वड्डियां मलीन ताकतां थर थरा गईयां हन। जोध पट्टियो नर बिने उचारी, भाई जोध जी ने अपना खास संदेशवाहक महाराज जी के चरणां च बेनती करके भेजिया, उन्हें बेनती की है, प्रभ जी मोह लेकर संग, आख्या सचे पातशाह मैं उठन विच थोड़ा जा लेट हो गया, ते साहेब जीओ मैनू नाल लैके जायो, मैनू कला ना छड़ के जायो। हां जी, आप अरोह तेज तुरंग, महाराज सचे पातशाह मैनू नाल लैके चलना, क्योंकि आप जी तेज चलन वाले घोड़े ते सवार होंदे हो, जे पहला आप कूच कर गए ते मेरे कोलो तुहाडे नाल मिलन नहीं होना, इसलिए साहेब जी मैनू सेवक नू नाल लैके चलना। शस्त्र बस्त्र वैसे गुर पहरे, और इस तरह दे नाल शस्त्र ते बहुत बेशकीमती बस्त्र महाराज सच्चे पातशाह ने गल च पाए हुए। जोध प्रतीखत है कुछ ठहरे, महाराज सचे पातशाह भी उन्हें बेनती भेजी है ते इंतजार करन लग पे। सिख की तनुजा सुनियो प्रसंग, जदों ये सारा प्रसंग भाई जोध राय जी दी पत्नी ने सुनिया ता, तुरकन संग पर है गुर जंग, भाई हुण तुरक सेना नाल महाराज जी दा मैदान पवे, भाव जंग होवेगा। जोध आपनो पत समझायो, उसने भाई जोध नु अपने पति नु ए गल समझाई है, भली करी तुम मन मन पायो, वो अखण लगी भी हे मेरे पति परमेश्वर तुसी बड़ा ही चंगा किता, अगे भी जंगा ता होइयां हन छटपुट, पर आ जड़ी जंग है ना तुसी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे सेवा विच लड़न जा रहे हो, ये जंग ने जित तो दिवाउणी दिवाउणी है, पर मेरे पति देव इस जंग ने थानू भी अमर कर देना है। हा बहुत बहादुर औरत रही होवेगी, स्त्री रही होवेगी, उसकी बहादुरी उसकी भावना ते गुरु चरणा प्रति उसका समर्पण न महसूस कर दिया, एक वड्डा जयकारा सारे मिल के बुलाओ। नहीं अजय जयकारा छोटा है, थोड़ा होर वड्डा बुलाओ, आ होई ना गल,
इस तरह कहन लगी कि मैनू बहुत चंगा लग्या जो तुसी फैसला लिया है। सर्ब कला समरथ गुरपुरा, ते कोई डरन दी लोड नहीं है, सर्ब कला समरथ पूरे सतगुरु जी हन। कर्म करत मानव समरूप, बस ये गल है भाई, आम लोकां नूं पता नहीं चलदा, उन्हां दे बचन आम मनुखा वांगू, व्यवहार आम मनुखा वांगू, ते आम मनुखा वांगू मिलदे भी ने, हसदे भी ने, गलबात भी करदे ने। ए भेद सारिआं नूं नहीं पता चलदा कि वो मनुख जामे च परमात्मा ही हन। कबहु न हो जाए इन प्रतिकूल, ते जिंदगी सारी लग जाए, सहना सारी सदके हो जाए, परिवार कारोबार जगीरां जायदादां सदके हो जाण, पर गुरु हरगोबिंद साहब जी दे प्रतिकूल ना होना। भाव जो कहण उसनु मनना है। हाथ जोड़ रही है अनुकूल, सदा हाथ जोड़ के सिर चुका के ते महाराज दी आज्ञा में चलना, ते ख्याल रखना के इस जंग दे सेनापति रैबर तुसी नहीं हो, तुसी महज एक सैनक हो। इस जंग दे कमांडर गुरु हरगोबिंद साहिब ने, मालक ओ ने, इसलिए तुसी सेवक वांगू जाना है। नह संग्राम बिखे डर कोई, जंग विच कोई डर नहीं हैगा थानू, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब जी नाल हन। लश्कर तुरक जे दस गुण हो, ते भावे दस गुणा जिन्ना हैगा ना उन्हां दा लश्कर, लखां विच गिनती है, पर जे उस तो दस गुणा भी होवे तां भी जित तां गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी होनी। ए चंगे मां बाप दी बच्ची है, चंगे संस्कारां दी मालक है, चंगी भावना नाल भरिया होया हिरदा है। अखण लगी जितनी सेना है औरंगजेब दी है शाहजहान दी, जे उस तो दस गुणा भी सेना लैके आ जावे तां इत्थों जित के नहीं जावेगा, इत्थों हार के जावेगा, क्योंकि जित दे मालक तां गुरु हरगोबिंद साहिब हैगे ने। इसलिए तुसी सेवक बन के जाना है। नर बपुरे एह कहां अगारी, ए आम सैनक ए शाहजहान वर्गे बंदे विचारे की हन सतगुरु जी दे सामने। सुरपत लरह जले सुरचारी, अखण लगे आम लोकां दी सेना, बादशाह दी सेना, सारी दुनिया दे बादशाह दी सेना आ जाए ते महाराज फिर भी जितणगे। ए सेना की है जे इंद्रपुरी होर तमाम सेनावां भी आ जाण ते उन्हां सारिआं दे मत्थे ते हार दा ही कलंक लगना है। अज तक गुरु हरगोबिंद साहब जी तो जित के कोई नहीं गया ते ना कोई जित के जावेगा। श्री हर गोबिंद सभिन पलावे, महाराज दे सामने सब भज जाणगे। शत्रु हते जीत को पावे, सब दुश्मन मारे जाणगे, महाराज दी जित होवेगी। नहीं साहते की जहत, बादशाह कोलो डरन दी बिल्कुल भी लोड़ नहीं है। गुर सहाय तो सदा बिलास, क्योंकि जे गुरु सहाई हन ते फिर सदा ही आनंद है। इस बहादुर स्त्री ने अपने पति का भरोसा होर वधाया, होर बल दिता, नहीं तो कोई और जी होंदी तां बाह फड़दी पति देव आ बंदे भेज दिओ तुसी इत्थे ही रहो, तुहानू ना कुछ हो जाए। वो दलेर सी, वो नाम जपण वाली सी, ते उसने वड्डी प्रेरणा दिती। हुणे किवें सेना चली है, किवें अगे जा के जलाशय ते डेरा होंदा है, ये हुण कल तक इंतजार करना पएगा। वक्त दा तकाजा है। बहुत प्रेम नाल आप सब ने सरवण कीता, बारंबार सब दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। भुलां चुक्कां दी खिमा जरूर बख्श देना। निमाणे सेवकां दी सेवा करदिआं बोलदिआं अनेकां ही त्रुटियां रह जांदियां हन जाणे अनजाणे। गुरु खालसा पंथ ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विशाल हिरदे दे मालक बख्शांदा हन, बख्श लैंदे हन। आपने भुल्लां ना चितारनियां,
आओ सारे मिल के 2 मिनट महामंत्र गुरमंत्र का जाप, फिर अरदास, फिर खिमा प्रार्थी होवांगे। इहदे नाल ही जैसे सुखासन की सेवा शुरू होंदी है ते नाल शब्द चौंकी चल पैंदी शाम संध्या वेले दी शब्द चौंकी। परिक्रमा करदिआं होइआं बहुत ही सत्कारयोग भाई हरभजन सिंह जी ने वो रोज़ाना ही चौंकी विच पहुँचते हैं, होर प्रेमी रोज़ ही पहुँचते हैं। महाराज जी दे हरिमंदर दीआं परिक्रमा करके कोई 20 मिनटां विच ये चौंकी वापस आ जाती, तो 20 मिनट होर जे आप आनंद माणो इस चौंकी च शामिल होवो तो बहुत भला है। नाले गज गज के नाल शब्द पढ़ो तो नाले महाराज जी दे इस हरी मंदर दियाँ परिक्रमा भी करो तो होर आनंद चौली च पै जाता है। सवेरे अमृत वेले भी 3 बजे तो थोड़ा जा पहले भावें 1 मिनट पहले आओ आओ तो महाराज जी के किवाड़ खुलन समय दर्शन, फिर महाराज जी के इशनान वस्त्रां शस्त्रां की सेवा, वो सारा दर्शन भी इन्हां नेत्रां दे कैमरियां राही अंदर रिकॉर्ड कर लिया करो। ये भी नाल रहना है, जदों असी जाना है अगे तो महाराज जी के दर्शनों का फल भी नाल होना, तो सारा होवे तो ता ही है ना खेड बन जाती है। महाराज मेरा नाल निवाजन, कोई वांझा ना रहे, सारे मिल के अपन जाप करिए। वाहे गुरु 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 सारे जपो वाहे गुरु 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा जी चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।